हिमाचल में रहने वाली युवती सिमरन अग्रवाल ने लव और ब्रेकअप से जुड़े मनोभावों पर लिखी अपनी 70 कविताओं को सौदात ए लव एवरलास्टिंग नामक पुस्तक में प्रकाशित किया है। हिमाचल के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर इस पुस्तक का विमोचन 7 नवंबर को कर रहे हैं। ये पुस्तक आखिर क्यों लिखनी पड़ी इस युवती को, आइए उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। मेरा नाम सिमरन अग्रवाल है, मैं शिमला हिमाचल प्रदेश की रहने वाली हूँ। अभी मैं बीएससी ऑनर्स फॉरेस्ट्री कर रही हूँ डॉक्टर वाईएस परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री नौनी सोलन से। मैंने हाल ही में एक किताब लिखी है, ये मेरी पहली किताब है जिसका नाम है सौदात अ लव एवरलास्टिंग। ये एक पोइट्री कलेक्शन है, मैं काफ़ी सालों से लिखती आ रही हूँ पोइट्री। मुझे अपनी माँ से प्रेरणा मिली है क्योंकि वो भी लिखती हैं, वो भी लेखिका हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि सब ये किताब में जितनी भी पोएम्स हैं ये सब प्यार और हार्ट ब्रेक, पेन, लॉस, इन सब के बारे में है। और एज़ यूथ हमारी कंट्री में इन सब चीज़ों को थोड़ा ऐसे देखा जाता है, माँ बाप बात नहीं सुनते और समझते नहीं हैं, जबकि ये सब बहुत नॉर्मल सी चीज़ें हैं। तो इसीलिए ये कविताएं मैंने लिखी हैं ताकि जितने भी टीनेजर्स हैं या अपने 20s में 30s में जिनको लगता है कि ये सब चीज़ें किससे शेयर करें क्या, तो उनको ये ना लगे कि वो अकेले हैं, क्योंकि ये बहुत नॉर्मल ह्यूमन इमोशंस हैं, सब इससे गुजरते हैं। पर बात ये है कि उसके बाद आप अपने आप को ढूंढते कैसे हो। तो इसलिए ये किताब शुरू प्यार से होती है और सेल्फ लव पे ख़त्म होती है। सौदात एक पोर्चुगीज़ वर्ड है, इसका मतलब होता है लॉन्गिंग, कि आप किसी चीज़ को चाहते हो कि आपके पास हो पर आपको कभी नहीं मिल सकती वो चीज़, ये होता है सौदात का मतलब। पर यह है कि मेरे कई दोस्त, मैं हमेशा अपने ग्रुप की एक मदर की तरह रही हूँ बचपन से, पता नहीं क्यों मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, तो सब मुझसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करते थे और मेरी लाइफ में भी कई प्रॉब्लम्स आई हैं। तो उस वजह से लिखना तो मैंने उस वजह से शुरू किया था, प्रेरणा भले मुझे मेरी माता जी ने दी कि लिखो तो बेटर फील होता है, इसलिए मैंने लिखना शुरू किया। और बेसिकली आपके इमोशंस, आप क्या फील कर रहे हैं जब आप प्यार में होते हैं या आपको कोई छोड़ देता है, आपका दिल टूट जाता है, आपको कैसा फील होता है, और आप जब वो लॉस फील करते हो, वो सब मेरी पोइम्स में है। और उसके बाद कैसे आपके अंदर हिम्मत आती है, आप अपने आप को उठाते हो उससे, आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, लोग बहुत कुछ होता है क्योंकि इंडिया में हम मेंटल हेल्थ और सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा बात करते नहीं हैं। तो ये पोइम्स लोगों को हेल्प करेंगी, और ये मोस्टली जितनी भी पोइम्स है फर्स्ट पर्सन में लिखी गई है, 70 पोइम्स हैं, 77 जी। ये अमेजोन पर अवेलेबल होगी थ्रू आउट इंडिया। मैं नीता अग्रवाल सिमरन की मदर हूँ, मुझे अपनी बेटी पर बहुत गर्व है और बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है कि उसकी पुस्तक आने वाली है सौदात। बचपन से ही सिमरन को लिखने का शौक था, और 2009 में जब मेरी बचपन की कविताएं थी तो वो मेरी बुक तैयार हो रही थी, उसकी एडिटिंग हो रही थी, तो बीच बीच में मैं सिमरन को हिंदी में कुछ शब्द देती थी, मैं कहती थी बेटा तू इस पे कविता बना। तो कई सारी बचपन में से छोटी छोटी कविताएँ लिखी हैं, जंदा मामा पे, रेलगाड़ी पे, बगीचे पे, तो उसका ये शौक था और ये आगे बढ़ता रहा। जब 16-17 ईयर्स की हुई तो उसने अपने आसपास के कॉलेज में अपना माहौल देखा और काफ़ी बच्चे इसके पास आके अपनी समस्याओं का हल इससे पूछते थे, तो उनकी प्रॉब्लम ये सॉल्व करती थी। तो इसी तरह इसका फिर लिखने में शौक बढ़ता गया और फिर इसने इंग्लिश में कविताएँ लिखनी शुरू की। मेरी वाइफ की बुक पहले भी आ चुकी है, लेकिन इस उम्र में मेरी बेटी ने जो पुस्तक लिखी, मैं अपनी बेटी पर बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ। और जो इस पुस्तक में जो थीम है या जो इसके अंदर कंटेंट है, वो जो यंग जनरेशन है जो अपने आप को बहुत जल्दी डिप्रेस्ड कर लेती है, किसी भी बात को लेके सुसाइड कर लेते हैं, अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाते, तो जो मेरी बेटी ने पुस्तक लिखी है उसमें इन सब बातों का ऐसा मिश्रण किया गया है कि अगर इस पुस्तक को वो लोग पढ़ते हैं तो उनको एक बहुत अच्छा बूम मिलेगा और उनको ये लगेगा कि नहीं, दुनिया कहीं पे ख़त्म नहीं होती है, दुनिया जब आप चाहें तब शुरू हो सकती है, दुनिया कभी ख़त्म नहीं हो सकती। और मैं अपनी बेटी जो कि नौनी यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है, बीएससी लास्ट ईयर है उसका सेमेस्टर, और अभी 21 साल की है, और मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ मैं अपनी वाइफ और अपनी बेटी पर कि उसने ये पुस्तक लिखी।